तो कल का जो यूपीएससी का पेपर है, इसमें जो हमने अभी तक पढ़ाया है, प्राचीन भारत आपको पढ़ाया गया, इतिहास से क्वेश्चन आए, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका, जहाँ तक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो पूरा अभी रावेन सर जो आएंगे ना, रावेन सर भी पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे कि उन्होंने जो पढ़ाया, क्योंकि इस बार जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का जो एक ट्रेडिशनल तरीका था वो तो नहीं है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। एक होता था ना कि पहले जो है वन लाइनर क्वेश्चन मैं देख रहा था बहुत कम संख्या में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, चार कथन दिए हैं, उनमें ढूंढिए, एक में भी यदि आप गए तो चूक गया, कुछ होने वाला नहीं था। तो ओवरऑल क्वेश्चन का प्रवृत्ति चेंज हुआ है, इसमें किसी तरीके का दोराय नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर यदि आप पढ़ते और आपने इस तरीके के पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं रखी, तो हो सकता था कि आप पेपर पढ़ते पढ़ते भी उदासीन हो सकते थे। एक 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 इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप आया था जीएस में ही, है ना, वो छोड़ भी दिया होगा आपने, वो पूरा एक पेज का पूरा क्वेश्चन ही था, लगभग कम से कम उसमें 100 वर्ड रहे होंगे, इससे ज़्यादा, और बहुत आसान था अंत तक जिसने पढ़ा होगा। तो देखो क्या क्या कैपेसिटी देखता है यहाँ पे, मैं एक एक क्वेश्चन देख रहा था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, कभी कभी समाचारों पत्र में आने वाले व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट निम्नलिखित में से कौन सा सही स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार जो ए बी सी और डी ऑप्शन दिए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े ऑप्शन हैं, बहुत बड़े, छोटा ऑप्शन नहीं, इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चे जो है पढ़ने में ही इनमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इनका सभी का आंसर की हम देंगे, लेकिन आंसर की थोड़ा सा अच्छे से देंगे, प्रतीक्षा करेंगे अभी इसका, एक एक पहले मैं पूरा एक एक टॉपिक फिर उसका मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा एक एक जो है, ये देखिए क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे क्या है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, अब आप आम तौर पे क्या था कि इतने बड़े क्वेश्चंस पढ़ने के भी आदी नहीं रहे हैं, क्वेश्चंस का स्वरूप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, जैसे कि मैंने प्राचीन भारत पढ़ाया, मेडिवल पढ़ाया, अभी मॉडर्न भी पढ़ाया, उससे भी एक क्वेश्चन आ गया जितना सेक्शन पढ़ाया। जैसे कि एक आया था जो यूरोपीय कंपनी थी, ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी थी, उसके द्वारा क्या क्या निर्यात किया गया, समझे। मैंने हमेशा हर जगह पे लिखवाया निर्यात की जाने वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं, अलग से पूरी लिस्टिंग करवाई है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है, अभी मैं यहाँ पे ढूंढूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन से बोधिसत्व के बारे में पूछा गया था कि जो भविष्य में आएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। मैं एक भाषा में बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैंने एक एक बोधिसत्व लिखवाया था, ठीक है। बौद्ध धर्म उठा लीजिएगा, बौद्ध धर्म में मैं यहाँ पर बताता हूँ, नोट्स में चीज़ें मैंने करवाई हैं, बौद्ध धर्म उठाइएगा, बौद्ध धर्म में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, एक जगह वहाँ पर लिखा होगा, बहुत सारे जितने भी आपके जितने भी बौद्ध धर्म में एक जगह मैंने पूरा जितने बोधिसत्व हैं उन सब के नाम लिखवाए हैं, और किस बोधिसत्व के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी लिखवाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखवाए थे बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर के बारे में पढ़ाया था, बताया था, मंजूश्री के बारे में बताया था, वज्रपाणि के बारे में बताया था, मैत्रेय के बारे में बताया था। तो मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं, भविष्य में इनको आना है, उसी से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप महायान जो टॉपिक पढ़ाया गया है बौद्ध धर्म में उसी में देखिएगा, उसी में बोधिसत्व मिल जाएंगे आपको और उसी में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिर जैनिज्म से मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन आया था जैनिज्म में भी मैंने पढ़ाया था, जैनिज्म की एक शाखा है स्थानकवासी, ये आया था, स्थानकवासी किससे जुड़े हुए हैं। यदि आप सही से केवल नोट्स ही पढ़ते, प्राचीन भारत ही हो गया, मेडिवल इंडिया हो गया और आधुनिक भारत हो गया। सर जियोग्राफी से पहले कल पढ़ा था, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना सेक्शन है उसमें जितना कुछ भी पढ़ाया गया, विवादित क्षेत्र आए हुए हैं, एक जगह मोसुल को, उन निम्नलिखित में से कौन से विवादित क्षेत्र सुमेलित होते हैं, ऐसे ऐसे करके आया था, ये सब चीज़ें तो न्यूज़पेपर में भी रहती हैं।
ओवरऑल क्या है ना, यहाँ पे जितना कुछ भी पढ़ाया गया, हम एक एक चीज़ दिखाएंगे, अभी तक कितना पढ़ा चुके, जब पूरा कंप्लीट होगा तब कितने बढ़िया स्तर का होगा। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हम बहुत सही डायरेक्शन पे कार्य कर रहे हैं। इसमें कमी ये है कि आप लोग या तो उसको सही तरीके से कर नहीं रहे हो, ठीक है, या तो उसका रिविज़न नहीं कर रहे हो। रिवीजन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जल्दीबाजी नहीं देना, एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है और आराम से देना है। यदि हम थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे, बहुत बड़ा भुगतान उसका करना पड़ेगा। अब इसी पेपर को जो बच्चा जल्दीबाजी में देगा उसके साथ क्या होगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, है ना। बहुत ही डिप्रेशन का मतलब उसके अंदर एक भय बढ़ने लगेगा एग्ज़ाम का। अब कल मैं देख रहा था जो ग्रुप में है या फिर व्हाट्सअप में या फिर फेसबुक ग्रुप में देख रहा था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरा सपना टूट गया, ठीक है, मेरा अंतिम अटेम्प्ट ही था, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग रहे थे कि सर मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो गई एग्ज़ाम को, क्योंकि ये एग्ज़ाम वास्तव में पेपर तो पेपर मानना पड़ेगा। UPSC अपना लेवल पूरा मेंटेन करके रखता है और उसने मेंटेन भी किया, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं पे हम UPSC के साथ किसी भी तरीके से, ठीक है, इस बात को हमें समझना चाहिए और करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ये जो पूरा एग्ज़ाम आपका आया है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न आया है, ये आपको इससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि वास्तव में अब आपको किस दिशा में तैयारी करनी है, हमें किस दिशा में तैयारी करवाना है। जहाँ तक संभव है हमारी दिशा सही है। करंट अफेयर्स पूरा यहाँ करवाया गया था, रविंद्र सर आके दिखाएंगे आपको करंट अफेयर्स का एक एक। कल रात में हमारी यही चर्चा चल रही थी। हाँ, और जैसे आप मुझे इस पेपर को देखने के बाद एक चीज अच्छा सा फील हुआ, अगर मैं रिवीजन करूँ तो 2-3 बार कर लेता हूँ अपने नोट्स का। तो जितना कराया गया है उसके यदि 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा पूरा। अब पहली बात है कि मेंस लेवल तक का कंप्लीट हो, जैसे साइंस एंड टेक ये टॉपिक भी हो जाएगा जिस दिन, और पेपर सॉल्व करना, पेपर सॉल्व करना, दो चीजें मुझे जो आज मैं पेपर दिया, हाँ, मुझे जो कमी लगी, हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं तैयारी भी किया, हाँ, मुझे जो कमी लगी दो ही चीज की कमी लगी कि अगर मैं पेपर, अगर जैसे मैं लिया था पेपर सेट लिया था लेकिन मैं केवल 5 सेट सॉल्व कर पाया था, बाकी रिवीजन में लगा था, ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। और अगर मैं पेपर सेट अगर ज्यादा नहीं पाई, जैसे आप 35 सेट बोल रहे हैं, 35 सेट सॉल्व करके ही चले जाए कोई नहीं रोक पाएगा, वो क्या होगा ना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो इतने लेंदी क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ, वहाँ पे पढ़ने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, आप पढ़ते पढ़ते उदासीन हो जाएंगे, दिमाग ब्लॉक होने लगेगा। अब इस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, हाई क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इनको आसानी से, एलिमिनेशन मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अब मैं UPPCS में काम करेंगे। और चूंकि UPSC में इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं तो आयोग जो हैं, जितने भी आयोग हैं, सब देखते हैं एक दूसरे का क्वेश्चन पेपर। UPSC को सब लोग एक मानदंड बना के रखते हैं, तो उस मानदंड में UPSPCS में भी आपको देखने को मिलेगा बदलाव। तो कुछ करना नहीं है। अब पॉलिटी में भी, पॉलिटी का सेक्शन भी देख रहा था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें एप्लीकेशन, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एक एक क्वेश्चन कर लेगा। तो इकोनॉमी पूरी हो गई थी यहाँ पे कंप्लीट, तो इकोनॉमी से आपका एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा, यदि आप कर लोगे एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद साइंस एंड टेक वाला जो टॉपिक है, साइंस एंड टेक वैसे पूरा हुआ नहीं, साइंस एंड टेक से बहुत क्वेश्चन पूछा, लेकिन करंट में उन्होंने करवाया था, करंट अफेयर्स में वो सारी चीज़ें हुई थी, बाकी जब यहाँ पे होंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हमें भी क्लियर हो गया है कि अब इसी जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में हमें चलना है, लेकिन आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें देर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आराम से हो जाएगा PCS के लिए। इसीलिए हम जो है प्रैक्टिस सेट एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको एक पोर्टल देंगे ताकि आप जो आराम से 37 सेट उसमें कराएंगे, और इसी लेवल का क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल यही होगा, क्वेश्चन बड़े होंगे, लेंदी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगी आपको। तो जब 35-36 सेट करेंगे ना, उसके बाद जो है आपकी टेंशन जो है, हाँ, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर आसान था, बहुत कठिन नहीं था, हल करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, एलिमिनेशन मेथड से भी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हो जाते।
और ओवरऑल बस ये देखा जाएगा कि इस बार कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जो मैं बार बार बोल रहा था ना कि बिना तैयारी के मत जाओ, टॉपिक मेंस लेवल का नहीं किसी का तैयार है। अब देखो प्री में ज़रूर उन्होंने सिलेबस छोटे छोटे रख रखे हैं, लेकिन प्री में पूंछ बहुत बढ़ा रहे हैं, प्री में पूंछ बहुत बढ़ा रहे हैं, प्री में मेंस को पूरा डाल रहे हैं। अब आईआर है, मेंस में लिखा हुआ, लेकिन पीटी में सबसे ज़्यादा आईआर पूछते हैं। साइंस एंड टेक है, लिखा मेंस में लेकिन पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यूपीएससी जो है वो ज़रूर चाहे मेंस में कुछ भी लिखा हो और प्री में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेंस ही का पूछ रहा है, प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं रह गया। तो हमें इसीलिए प्री से पहले पहले मेंस लेवल की तैयारी कर लेना है, तभी उस बात को समझो कि सब काम हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका पीटी नहीं निकलेगा, लिख लीजिएगा। उसी व्यक्ति का पीटी इस बार का निकलेगा जिसने मेंस लेवल की तैयारी कर ली थी, ठीक है। जीएस का डीप नॉलेज, डीप अध्ययन, बहुत गहनता से पढ़ाई, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था, उसका इजली हो जाएगा, बाकी ओवरऑल तो है नहीं। तो आंसर की जल्द हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे ही सारा कुछ है, मैं पूरे एक एक क्वेश्चंस को पूरे तो नहीं देख पाया, लेकिन जितने भी मैंने देखे तो इसमें मैंने लगभग एक मैंने एक चीज़ है पूरा ओवरव्यू, 100 के 100 क्वेश्चन में ये देखने का प्रयास किया कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो लेवल बहुत स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड लेवल का मतलब होता है कि यदि एक भी कथन आपका नहीं आया तो आप गए, सवाल ही नहीं हो सकता कि आप उसको बचा पाएँ उस क्वेश्चन को, इसे स्टैंडर्ड लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत कमी क्वेश्चन थे जहाँ पर आपको एक एक ही वन टिक में ही आपका आंसर सही हो जाए, या तो आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे जाना पड़ेगा ही, उसके नीचे नहीं बात बन सकती है। करंट अफेयर्स का रोल हमेशा की तरह उसका भी खूब रहा, ट्रेंड पूरा बदल दिया। अब जो ये प्रिडिक्टेबल है ना, यूपीएससी को वास्तव में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिना मेंस मेंस की यदि तैयारी कर लोगे तो प्रिडिक्ट भी है मेरे हिसाब से। यदि मेंस की तैयारी नहीं जो कर पाता वही बोलता है कि यार ये चीज़ कठिन हो गई वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं पूरा, ठीक है। यार जितना भी पढ़ाया गया उससे भी आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये टॉपिक हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, ठीक है। शायद 9:30 बजे सर की आज क्लास होगी, तो सर उस क्लास में पूरी यही चर्चा करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके साथ, ठीक है। तो बाकी मैं जो है खुद आंसर की दूंगा, अब मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो पूरा पेपर जो है हल कराऊंगा और बहुत अच्छे से हल कराऊंगा। उससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा कि एग्ज़ाम हॉल पे जाके कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था, कौन कौन से अटैम्प्ट करने थे। सिंपल मेरा कहना था 20 क्वेश्चन छोड़ना था, 80 अटैम्प्ट करने थे, 80 में 15-16 गलत हो जाते, इतना होना था, 64 क्वेश्चन सही होते, इजिली मैं अंदर था, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 110 से ज़्यादा तो जाने ही वाली, 110 अभी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है 100 या 105 के बीच में रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है सब गए हैं, सब गए हैं। अच्छे अच्छे सीनियर खिलाड़ी जो उन्होंने मेंस भी लिखा है, जो उनसे भी पता किया मैंने, ग्रुप में भी एक सर्वे करवाया, यहाँ तक कि मैं कल देख रहा था विजन आईएएस एक सर्वे चला रहा है इस समय, उसमें था कि सबसे ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनका पेपर ख़राब हुआ है, जो पोल करा रहा था वो 33% बच्चे थे जो कह रहे थे पेपर गुड है हमारा, अच्छा गया, आधे से ज़्यादा एवरेज वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे 60 से 66% जो है पेपर बच्चों का अच्छा नहीं गया, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, यानी कट ऑफ नीचे गिरने के चांस हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा उन्हीं का गया है जो बढ़िया मेंस करके पूरा परफेक्टली इजिली तैयार करके गए थे, इसीलिए बहुत अच्छा लगा मुझे जो मैंने बोला था कि भैया एग्ज़ाम देने नहीं जाना, बहुत बच्चे नहीं गए, बहुत बच्चे नहीं गए। वो एक जो हमारा वर्कशॉप सेशन हुआ ना, उसके बाद बहुतों का अटैम्प्ट बच गया, ये अटैम्प्ट ही नहीं बच गया बल्कि पॉजिटिविटी आ गई उनके अंदर। अब वो क्या करेंगे, धुआंधार तैयारी करेंगे लास्ट तक। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इंतज़ार करेंगे हो सकता है रिजल्ट का, ठीक है। हाँ तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो A to Z आपको देखनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आज जो है हमें जो टॉपिक है उसे हम लोग अपना पढ़ते हैं।